तो ये मारुति का सियाज है, इसका मेजर सर्विसिंग क्या होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए। मेजर सर्विसिंग में क्या क्या आता है, जो 20,000 किलोमीटर तक मेरे को गाड़ी में हाथ भी ना लगाना पड़े, वो कैसा सर्विसिंग होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मारुति का पेट्रोल गाड़ी है सियाज, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा है, कोई भी गाड़ी का हम वीडियो बनाते हैं वो आपके पास फ़ौरन पहुंच जाएगा। हम इसका पहले लेफ्ट साइड का व्हील खोल लिए और क्लिपर हम ओपन करके रखे। क्लिपर कैसे ओपन किया जाता है वो मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों क्लिपर ओपन करने के लिए यहां पे मेरा 12 नंबर का एक बोल्ट होता है, आप देख सकते हैं ये 12 नंबर का बोल्ट यहाँ पर रहता है, देख सकते हैं ये 12 नंबर का बोल्ट है, इसको आपको खोलना पड़ेगा। और देखिए पिस्टन दबाने के लिए, अगर ब्रेक पर निकले पिस्टन दबाने के लिए यहाँ पे जगह दिया है। देखिए आप इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ से आप पिस्टन ऐसा दबा सकते हैं, ये आराम से पिस्टन लूज हो जाएगा। उसके बाद ये बोल्ट खोल के आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 12 नंबर का बोल्ट खोल के आप इसको आराम से ऊपर कर सकते हैं, ये ऊपर हो जाएगा। क्या हमारा देखा जाए तो हमारा ब्रेक पैड अच्छा है, ये हमारा ब्रेक पैड अच्छा है, ये ब्रेक पैड, ये देखिए ये जो लॉक है ये लॉक वाला हमेशा जो है ब्रेक पैड अंदर के साइड रहेगा, किधर रहेगा अंदर के साइड रहेगा और ये ऊपर रहेगा, ऊपर हमारा ब्रेक पैड अच्छा आप देख सकते हैं। तो हम इसको फिट कर देंगे, इसको थोड़ा बहुत एमरी मार के फिट कर दीजिएगा तो अच्छा है, नहीं भी मारने पर कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इसका डिस्क देख सकते हैं बराबर है, तो इसको हम फिट कर लेंगे। अब मेजर सर्विसिंग में इसका क्लिपर भी आता है, क्लिपर हम ग्रीसिंग कर लेंगे क्योंकि क्लिपर जाम होने से गाड़ी हीट होने के चक्कर रहता है, इसलिए हम क्लिपर में थोड़ा ग्रीस डाल देंगे। आप देख सकते हैं हम इस पर ग्रीस डाल के इसको डाल लिए, ज़्यादा डालने से ये जो प्रेस, देखिए अब ग्रीस डाल लिए तो देखिए ऑटोमेटिक फेंक देता है, आप देख सकते हैं वीडियो में ये ऑटोमेटिक फेंक देता है, अब पहले फेंकता नहीं था, देख सकते हैं आप कितना ऑटोमेटिक फेंक देता है। इसी तरह हम ऊपर वाला पे भी थोड़ा सा ग्रीस डाल देंगे, आप देख सकते हैं ये भी निकल आया, इस पर भी हम थोड़ा सा ग्रीस डाल देंगे ताकि मेरा क्लिपर फ्री रहे। आप देख सकते हैं ये हो गया ब्रेक पैड वाला सर्विसिंग। आपको हम बैक का भी व्हील खोल के आपका हम लाइनिंग दिखा देते हैं क्योंकि मेजर सर्विसिंग में चारों व्हील का आता है, तो उम्मीद है कि मैंने एक व्हील का दिखा दिया था आप समझ गए होंगे दूसरा व्हील भी ऐसे खोला जाता है। ओके मैं अभी बैक वाला भी दिखा देता हूँ उसको भी कैसे निकाला जाता है, देख सकते हैं दोस्तों हम पिस्टन लगा लिए, अब यहाँ पे हम फिर 12 नंबर का बोल्ट को हम टाइट मार देंगे। ओके अब इसको हम 12 के टूल से टाइट मार लेंगे, अब देख सकते हैं मेरे पास 12 का रिंग रिंच है, इससे हम इसको टाइट मार लेते हैं, ये ज़्यादा टाइट नहीं होता है, टूटने का संभावना रहता है। तो वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होता है इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके, वीडियो को शेयर करें। फिट कर लेता अब हम इधर का हो गया काम, इधर का हम व्हील फिट कर लेते, ब्रेक पैड अगर ख़त्म होता तो हम इसको चेंज कर डालते, ये व्हील है अलेवल रिम होता है इस पर, इसको हम फिट कर लेते हैं। देख सकते हैं इसको हम फिट कर लेंगे आप। अब हम बैक साइड का व्हील खेल लेंगे, व्हील में 19 नंबर का बोल्ट होता है, अब देख सकते हैं 19 नंबर का बोल्ट है, अब व्हील खोल का हम दिखाते हैं उसका ड्राम कैसे निकाला जाता है वो भी आपको हम दिखाएंगे वीडियो पे, बना देखिए। अब इसका हम ड्राम निकाल लेंगे, आप देख सकते हैं हम हथौड़ी से तो मारेंगे तो ऑटोमेटिक निकल आएगा, देख सकते हैं इसका हम लगा देंगे, देख सकते हैं दोस्तों इसका लाइनिंग ठीक है, लाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बायरिंग भी फ्रेश है, ऐसे घुमा घुमा का बायरिंग चेक कर लीजिएगा, बायरिंग भी ठीक है, देख सकते हैं इसका स्प्रिंग कैसा है, स्प्रिंग वगैरह आप देख सकते हैं। अगर आपको खोलने की ज़रूरत पड़े लाइनिंग चेंज हो तो आप यहाँ से स्क्रू ड्राइवर से पुश करके इसको कटिंग पिलर से पुश करके आप इसको निकाल सकते हैं, लाइनिंग स्क्रू ड्राइवर से यहाँ पर स्प्रिंग उतर दीजिएगा कि आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। ओके उसका ब्रेक पीछे का खोला है, अब इसको हम एमरी मार देंगे थोड़ा, तो जो हमारा धार धार का ये लाइनिंग है वो